ऐसी कि जब से आप अपने पर्सन से दूर गए हो तब से उनको एहसास होने लगा है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, जाने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर भी आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज करा है, और ये सोच कर उनको बहुत बुरा लग रहा है। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। ऐसी कि आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है और उनकी वजह से कनेक्शन खराब हुआ है। उनके एक्शंस ही ऐसे थे जिससे आपके बिहेवियर में बदलाव आता गया, आपको अंदर ही अंदर हर्ट होता गया और आप बदलते रहे। और हैरान और परेशान होने वाली बात तो ये है कि वो आपको ही ब्लेम करते रहे इस कनेक्शन के खराब होने में। उनको आपका बिहेवियर बदलता हुआ दिखा और उन्होंने आपको टॉन्ट मारने शुरू कर दिए कि आप तो बदल गए हैं। उन्होंने ये समझने की कोशिश नहीं की कि आप बदले क्यों थे या आपके अंदर ये बदलाव उन्हीं की वजह से आया था। और कनेक्शन के ख़त्म होने के दुख से ज़्यादा आपको इस चीज़ का ज़्यादा दुख है कि वो कभी आपको समझ नहीं पाए और ना ही कभी समझने की कोशिश की। इस कनेक्शन के दौरान जब जब आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया तब तब आप खामोश हो जाया करते थे, क्योंकि आपका बोलने का मन नहीं होता था और ना ही बात करने का, और बिल्कुल बात करना बंद कर देते थे। और आपके पर्सन को इससे भी दिक्कत होने लगी थी। वो अक्सर आपको सुना दिया करते थे कि आप जब मन करे तब बात करते हैं और जब मन ना हो तो नहीं करते। ये सुनकर आप सोच में पड़ जाते थे कि क्या ये वही इंसान है जिससे आपको प्यार हुआ था। आपको बहुत बुरा महसूस होता था कि आपका पर्सन कितना नासमझ है और उनको आपकी भावनाओं की कदर नहीं है। आई फील कि आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस होता था और इस वजह से आपको इनसिक्योरिटी फील होती थी, फिर चाहे वो थर्ड पार्टी कोई और हो या उनके दोस्त या उनकी फैमिली। आपको लगता था कि कोई आपके पर्सन को आपसे छीन ना ले, कहीं वो किसी की बातों में आकर कुछ कर ना लें या उनके मन में आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट ख़त्म ना हो जाए। ये सब विचारों से आप घिरे रहते थे और इसी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती जा रही थी। आपको श्योरिटी चाहिए थी कि आप उनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन उनके एक्शन से ऐसा नहीं लगता था। वो बोलते कुछ और करते कुछ और थे। कहते हैं ना कि एक्शंस हमारे शब्दों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने अंदर ही अंदर ये मन बना लिया था कि आप उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। आपके मन में वो दूर जाने वाली भावना हमेशा के लिए टिकी नहीं, क्योंकि आप हमेशा अपने पर्सन का अच्छा चाहते थे। आप चाहते थे कि वो लाइफ में आगे बढ़ें और किसी से इन्फ्लुएंस ना होकर सिर्फ आप पर फोकस बनाए रखें। आपको उनकी बहुत परवाह थी और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डर जाया करते थे कि जब कभी वो आपका कॉल नहीं उठाते थे या घर देर से पहुँचते थे, आप अक्सर हड़बड़ाहट में आकर उनके दोस्तों को कॉल मिला दिया करते थे कि कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं, आप ठीक तो है ना। माना कि आपकी परवाह बहुत सच्ची थी, लेकिन आपके पर्सन को ये भी रास नहीं आई। उनको प्रॉब्लम होने लगी थी कि आप उनके दोस्तों को कॉल क्यों कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता था कि आप उन्हें एक दूध पीता बच्चा समझते हैं जो कि वो नहीं हैं, लेकिन आपकी इंतज़ार की पीड़ा वो जान नहीं पाए। और फिर आपको ऐसा लगने लगा कि आप बेफालतू में ही उनकी इतनी फिक्र करते हैं, फिक्र करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन आज भी आप उनकी फिक्र करते हैं, अफसोस उनको पता नहीं। ऐसी धीरे धीरे चीज़ें और ख़राब होती गई। आपके पर्सन को कई चीज़ों का लाइफ में एडिक्शन भी था। वो अक्सर अपने एडिक्शन में ही रहते थे और आप हमेशा उनको उस एडिक्शन से रोकते थे, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनते थे। आपको बहुत बुरा महसूस होता था। आपको ऐसे लगने लगा था कि आपकी इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ से खोती जा रही है
और आप ये नहीं देख पा रहे थे, या तो आप चाहते थे कि वो अपने आप को बदल लें या आप उनसे दूर चले जाएं। आई कैन सेंस कि आप अकेले में रोते थे क्योंकि आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो आपको लगता था कि आपको किसी को परेशान भी नहीं करना है। आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी और आप उनको बहुत बखूबी तरह से निभा रहे थे, बिना किसी को ये आभास दिलाए कि आप अंदर ही अंदर कितने टूटे जा रहे हैं। इवन आपके पर्सन को कभी ये नहीं पता लग पाया कि आप अकेले में रोते हो, और अगर आप उनके सामने रोते भी थे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको सिर्फ अपने फ्रेंड्स की पड़ी थी। आई सी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेचर के हो एंड आई रिस्पेक्ट दैट। आई सेंस कि फिर कुछ समय बाद आप उनसे दूर चले गए और आप अभी उनसे अलग हो। ये सेपरेशन ज़रूरी भी था आप दोनों के लिए, ताकि आपको अपने लिए वक्त मिल सके, आप अपने ज़ख्म भर सको और थोड़ा ब्रेक ले सको, और आपके पर्सन को ये रियलाइज़ करने के लिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और वो कितने बड़े ना समझ रहे हैं। ये सिर्फ जब इंसान एक दूसरे से दूर हो तो ही जान सकता है, क्योंकि दूरियों के बढ़ने से ही प्यार भी बढ़ता है। आपको उम्मीद भी है कि आपका पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आएगा, लेकिन दूसरी साइड आप अपने आप से भी लड़ते रहते हैं कि आपको उनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना है या नहीं। आप अंदर से ये भी जानते हैं कि आपकी नाराज़गी कुछ वक्त की है, जब तक आपकी फ्रस्ट्रेशन उतर नहीं जाती, क्योंकि आप अभी उनके लिए फील करते हो और चाहते हो कि उनके मन में आपके लिए जो प्यार कहीं खो गया था वो वापस आ जाए और वो आपकी वैल्यू समझ पाए। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आईसी कि जब से आप अपने पर्सन से दूर गए हो, तब से उनको एहसास होने लगा है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। जाने अनजाने में नहीं, बल्कि जानबूझकर भी आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज करा है, और ये सोचकर उनको बहुत बुरा लग रहा है। आई फील कि किसी और ने भी उनको वैसे ही हर्ट किया जैसे उन्होंने आपको किया था, तो इसीलिए वो अब ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं आपके दर्द को। उनको तो ये भी नहीं मालूम कि अभी आप कहाँ और किस हालत में हैं, और वो जानना चाहते हैं कि क्या आप ठीक हैं, और ये शायद वो अपने किसी दोस्त के ज़रिए पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्हें आपकी परवाह अब होने लगी है, उनको अपने आप पर अब बहुत गुस्सा आने लगा है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इतना कीमती इंसान कैसे खो दिया, जैसे हर कीमती चीज़ की कदर हमें उसके खोने के बाद ही पता लगती है, ठीक वैसे ही आपकी कदर उनको महसूस हो रही है। उनको अपनी हरकतों से नफरत हो गई है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी बेतुकी करतूतों की वजह से आप उनसे दूर चले गए, इसीलिए अब वो अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना एडिक्शन भी कम कर दिया है, अब वो धार्मिक कार्यों में रुचि लेने लग गए हैं और स्पिरिचुअल जगहों पर विजिट करते हैं। अब उनकी बेताबी आपको मिलने की बहुत बढ़ रही है, और वो चाहते हैं कि आपसे जल्द से जल्द मुलाकात हो। आई फील उन्होंने अपने आप को काफ़ी बदल लिया है, वो पहले जैसे नहीं रहे। वो रोज़ आपकी तस्वीरों को देखकर खुद पर खुद मुस्कुराते रहते हैं, उनको आपकी बेहद याद आती है। वो सभी पल जिस पल वो आपके साथ खड़े नहीं हुए, वो उन पलों को कोसते हैं। उनको समझ नहीं आता कि उन्होंने आपका दर्द कैसे नहीं समझा, आपको अकेले में इतने सारे दुख कैसे झेलने दिए। आपके पुराने मैसेजेस को वो पढ़ते हैं जिसमें आपने अपने दर्द को बयां करा है, जो आप कभी उन्हें कह नहीं पाए। वो सब पढ़कर वो बहुत दुखी होते हैं, और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, इसीलिए अपने कर्मों का पछतावा करने के लिए वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना झुकाव बढ़ा रहे हैं, जहाँ वो दुआ मांगते हैं कि आप जहाँ भी हैं खुश रहें। उनको ऐसा लगता है कि वो जितनी मर्जी माफ़ी आपसे मांग लें वो कम ही होगी,
और उससे उनके कर्मों का भुगतान नहीं हो पाएगा। लेकिन वो एक मौका लेने ज़रूर आएंगे आपके पास और आपसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगेंगे और इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत की उम्मीद रखेंगे। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। विश वाइजली, ये फेरी आपको गाइड करना चाहती है कि सब कुछ मैनिफेस्ट करने के बजाय आपको स्पेसिफिकली सिर्फ एक चीज मैनिफेस्ट करने पर फोकस करना चाहिए जो कि आपके दिल के सबसे करीब है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी विशेज एक वाइज पर्सन की तरह चुननी है और उस विश को मैनिफेस्ट करने के साथ साथ उस डायरेक्शन में प्रैक्टिकल कदम भी बढ़ाना है ताकि यूनिवर्स उस चीज़ को नोटिस कर पाए। आपके पेट पीछे आपसे क्या सब छुपाया जा रहा है जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।